हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास टेंथ में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स केमिस्ट्री में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 44 को फिनिश कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व करेंगे। बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर का पूरा लिंक चाहिए, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसका लिंक चाहिए तो जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, पिन कमेंट पे जाओ, रीड मोड पे क्लिक करोगे तो आपको वहां पे पूरा सिलेबस तो आपका मिल ही जाएगा। ठीक है, ऊपर जो लिंक मिलेंगे वहां चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है, नीचे जो लिंक मिलेंगे वहां पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको मिल जाएगा। तो आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक पे क्लिक करना है, पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में खुल के आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग पजल, वर्ड पजल। ओके, तो यहां पे देखिए ऐसे ये टेबल दी हुई है। ठीक है, इसमें कुछ नंबरिंग पड़ी हुई है, भाई आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब आपको लेफ्ट से राइट चलना है। ठीक है, और उसके बाद डाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। डाउन का मतलब आपको टॉप टू बॉटम चलना है। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ तो क्लियर होगा। सबसे पहले हम अक्रॉस में चलते हैं, नंबर वन। अब देखिए नंबर वन कहाँ पे है, यहाँ पे इस टेबल में नंबर वन यहाँ पे लिखा हुआ है। अक्रॉस मतलब नंबर वन से हमें लेफ्ट टू राइट चलना है ऐसे, और उसको फिल करना है यहाँ दी गई इन्फॉर्मेशन से। कह रहे हैं एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 12, ये तो बहुत ही ईजी है, सभी बच्चों को पता है एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे क्या, मैग्नीशियम, वन से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट से राइट, क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन कहाँ से पढ़ी है, अक्रॉस वाले में से। ओके, तो वन से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से देखिए वन, यहाँ वन लिखा था ना, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया मैग्नीशियम। यहाँ पे सेवन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा अभी जरूरत पड़ेगी, ये सेवन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ मैं ऐसे सर्कल कर दे रहा हूँ। ठीक, तो मैग्नीशियम एम ए जी मैग एन ई, अब यहां पे देखिए टू लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, यहां सर्कल कर दे रहा हूं, टू लिखा हुआ है, ये मैग्नीशियम हमने फिल कर दिया क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। नेक्स्ट देखिए अक्रॉस में लेफ्ट टू राइट चलना है आपको, नंबर थ्री, नंबर थ्री सर्च करिए, यहां पे नंबर थ्री है, करेक्ट, लेफ्ट टू राइट चलना है। क्या कह रहा है, मेटल यूज इन मेकिंग कैंस एंड एंड मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 14। अब देखिए कैंस बच्चों, जो जैसे कोका कोला वगैरह नहीं पीते हो आप, तो उसका जो एक मेटल का जो कैन होता है वो किसका बना होता है, टिन का, सुना है आप लोगों ने, पर फिर भी अगर आपको दिमाग में नहीं क्लिक कर रहा है तो आप क्या करोगे, इन्होंने बोला है कि मेटल यूज इन मेकिंग कैंस एंड मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 14। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 14 आप जाके बना लीजिए पहले, तो ग्रुप नंबर 14 हम लोग को आता है बनाना, क्या होता था याद करिए, कहे सीता जी सुनो प्रभु, करेक्ट, ये था कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एसएन का मतलब टिन, एसएन क्या होता है आपका टिन, और लेड पीबी लेड। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पे कार्बन क्या है, नॉन मेटल, सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड है, जर्मेनियम क्या है, मेटलॉइड है, और टिन क्या है, मेटल है, लेड भी मेटल है, तो टिन। यहाँ से आप जैसे ही ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स लिखोगे तुरंत आपको याद होगा भाई टिन, ये तो कॉमन भाषा में भी आपने सुना है, टिन का यूज हम कैंस बनाने में करते हैं। तो बस थ्री में लेफ्ट राइट चलिए, यहाँ से टी आई एन टिन, लेकिन ध्यान रखें ये तो थ्री था, यहाँ पे हमने टी लिखा, यहाँ पे एट है याद रखिएगा, अभी काम आएगा ये, यहाँ पे एरो लगा दिया मैंने, एट है, टी आई एन टिन। ओके, कोई डाउट है, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए फोर्थ, अक्रॉस है यानी कि लेफ्ट से राइट हमको चलना है। कह रहा है एंड लस्चरस नॉन मेटल, देखो बच्चों यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए, लस्चरस मतलब जो शाइन करता है, जो चमकता है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो शाइन करता है, आयोडीन याद है आप लोगों को, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा मेटल तो लगभग सारे शाइन करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो शाइन करता है, लस्चरस मतलब शाइन करता है, चमकता है, तो कौन सा नॉन मेटल है, आयोडीन। फिर भी नहीं जिनको समझ में आ रहा है आपको अभी याद आ जाएगा पक्का। कह रहा है विच हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द इट्स आउटर मोस्ट शेल, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स कौन से ग्रुप मेंबर में, 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में कौन से एलिमेंट्स में होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं, देखिए जो हैलोजन फैमिली होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ओके, तो ये जो ग्रुप नंबर 17 होता है बच्चों, इसमें आप चेक करो अब आपको आराम से याद आ जाएगा, ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट के एटम में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। ठीक, जैसे कि देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 287, करेक्ट, तो आउटर मोस्ट में कितने, 7। और आपने पढ़ा हुआ है क्या कि सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, सेम होती है। अगर आपको आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता है कोई बात नहीं, ना क्लास 10th में आपको करना है, आप 11th में जाओगे तो सिखाया जाएगा, ना आपको इसका ना आयोडीन का आपको एटॉमिक नंबर भी नहीं याद करना है, लेकिन आपने यहां से गेस कर लिया ना ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, 2, 7, चेक करो।
अगर हम यहाँ फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर लिखते 9 तो 2.7 तब भी तो आउटर मोस्ट में 7 आ रहा है। तो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, सेम। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम, इसका मतलब आयोडीन में भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, करेक्ट। और आयोडीन ही क्या होगा, लश्रस। जैसे ही आप ग्रुप नंबर 17 लिखोगे आपको तुरंत याद आ जाएगा भाई आयोडीन एक नॉन मेटल था जो कि क्या था, लश्रस था, ठीक है। तो फोर्थ में आपको लेफ्ट टू राइट लिखना है क्या, आयोडीन। तो फोर्थ से स्टार्ट करो, और देखो ये 6 है तो यहाँ पे मैं 6 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एरो लगा के, ठीक। तो देखिए आयोडीन, ओके करेक्ट। अब आ जाइए डाउन में नंबर टू सर्च करिए नंबर टू कहाँ है। तो नंबर टू हमारे पास कहाँ था, ये रहा नंबर टू, ठीक है। ये जहाँ एस लिखा हुआ है नंबर टू है, ठीक है। तो टॉप टू कहाँ चलना है, बॉटम। अब देखो बच्चों एस से ही याद आ जा रहा है बिना क्वेश्चन पढ़े हुए, सोडियम आई भी मिल रहा है आपको, यानी कि ऐसे हमें क्या फिल करना है, सोडियम आई, फिर भी देख लेते हैं। तो नंबर टू टॉप टू बॉटम चलना है, कहला हाईली रिएक्टिव एंड सॉफ्ट मेटल विच एम्पार्ट्स येलो कलर इन व्हेन सब्जेक्टेड टू फ्लेम एंड कैप्ट इन केरोसिन। तो बताओ बच्चों हाईली रिएक्टिव और सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल कौन होता है जिसको हम नाइफ से भी काट सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको नंबर टू पे एस मिल रहा है ना, तो यानी कि हमें क्या फिल करना है, सोडियम फिल करना है, ठीक है। सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ये सभी को पता है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई ना कि हाईली रिएक्टिव सॉफ्ट मेटल विच एम्पार्ट्स येलो कलर वेन सब्जेक्टेड टू फ्लेम, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मतलब सोडियम को अगर हम फ्लेम पे ले जाएंगे, ठीक है, फ्लेम कह रहा हूँ सॉरी, सोडियम को अगर हम फ्लेम पे ले जाएंगे, ठीक है, जैसे ये बर्नर है और यहाँ पे हम सोडियम को ले गए, इसमें हमने ये सोडियम रखा हुआ है, ये सोडियम हम ले गए, तो कौन सा फ्लेम करेगा, कौन सा कलर का आपको लाइट निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा, येलो कलर का, बात समझ आएगी नहीं। तो यहाँ पे येलो कलर की लाइट आपको दिखाई पड़ेगी, याद रखिएगा। सोडियम को अगर हम फ्लेम के पास ले जाएं तो कौन सा कलर दिखाई पड़ता है, येलो कलर, ओके, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या फिल करना है, सोडियम, SODIUM सोडियम, करेक्ट। उसके बाद नंबर 5 टॉप टू डाउन हमें जाना है, टॉप टू बॉटम जाना है, तो यहाँ से 5 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमें नीचे चलना है, ठीक। कह रहा है कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड, हाँ भाई सेकेंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट कौन होता है, लिथियम, याद है ना। ये देखिए पीरियड नंबर 2 कहाँ से स्टार्ट होता है, लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, फिर कौन आता है लिथियम के बाद, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, फिर कौन आता है, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, फिर कौन आता है, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, फिर क्या आता है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, फिर एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन का होता है ना, फिर 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का, और फिर 9 किसका होता है, फ्लोरीन का, फिर 10 किसका होता है, नियॉन का, ठीक। तो ये पीरियड नंबर 2 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, लिथियम, ठीक। तो नंबर 5 पे टॉप टू बॉटम हमको क्या फिल करना है, लिथियम, ठीक है। तो नंबर 5 देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 लिखा हुआ, ये हटा रहे 5, L I तो मिल गया हमको, THIUM लिथियम, ओके। उसके बाद नंबर 6 देखिए, कह रहा है एन एलिमेंट विच इज यूज्ड इन मेकिंग फ्लोरोसेंट बल्ब एंड इज सेकेंड मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 18। अब देखो अभी तक अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ग्रुप नंबर 18 का आप क्या देख लो, सेकेंड मेंबर देख लो ग्रुप नंबर 18। बच्चों आप लोग को याद होगा, जिनको नहीं याद है देख लें, ग्रुप नंबर 18 बच्चों क्या था, याद करो, हीना, नीना है ना, और करीना, फिर हम यहाँ पे का को लिख के काट देते थे, हीना नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, याद है, हीना नीना और करीना का को अलग से लिख के काट देंगे, का कोई यूज़ होता नहीं है, जेरोक्स रंगीन। तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड मेंबर कौन है, नियॉन, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, नियॉन। और आपको बता दूं फिजिक्स में हमने पढ़ाए हैं, ठीक है, हाँ फिजिक्स में हमें थोड़ा सा पढ़ाया गया इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कि जो फ्लोरोसेंट बल्ब होते हैं उसके अंदर हम लोग क्या डाल के रखते हैं, नियॉन गैस, क्यों, क्योंकि नियॉन गैस क्या होता है, नॉन रिएक्टिव, और क्लास 9 में भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ये ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट है नियॉन, तो ये नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करेगा, इनर्ट गैस है ना, नॉर्मल गैस, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए इसको बल्ब के अंदर हम लोग डाल के रखते हैं, ठीक है, ताकि क्योंकि जब फ्लोरोसेंट बल्ब जब ग्लो करेगा तो वहाँ पे हीट होगी, अब उस हीट से कहीं कोई केमिकल रिएक्शन ना हो जाए, ठीक है, इसके लिए हम वहाँ नियॉन डाल के रखते हैं बल्ब के अंदर, बात समझ में, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल गैस है तो रिएक्ट तो करेगी नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको नंबर 6 में टॉप टू बॉटम नियॉन फिल करना है। अब ध्यान से चेक करिए, यही 6 था जहाँ एरो लगा, एन तो आपको मिल गया, NEON नियॉन, करेक्ट। उसके बाद
आ जाइए, ये रहा सेवन्थ नंबर, डाउन में ही चलना है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज द लास्ट मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली। हाँ भाई, अब ये हैलोजन फैमिली कौन सी होती है? ग्रुप नंबर 17, तो ध्यान से चेक करिए, ग्रुप नंबर 17 है ये। अब इसका लास्ट मेंबर कौन था? एस्टेटाइन, याद है? देखो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, याद है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, याद है आप लोगों को? फिर कल बाहर आएगा ऑटो, ऐसे करके याद कराए, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फिर मतलब फ्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, बाहर मतलब ब्रोमीन, आएगा मतलब आयोडीन और ऑटो मतलब एस्टेटाइन। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर 7 में टॉप टू बॉटम जाना है और हमें एस्टेटाइन फिल करना है। ठीक है, तो ये देखिए, यही था आपका 7 नंबर, एरो लगा के रखा था, यहाँ 7 लिखा था। ठीक, तो ए तो आपको मिल ही गया। अब एस्टेटाइन, ASTATINE, एस्टेटाइन, ओके। इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल ए स्मॉल टी, ओके। अब नंबर 8 देखिए, कह रहा है मेटल विच इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील एंड फॉर्म्स रस्ट व्हेन एक्सपोज टू मोस्ट मॉइस्ट एयर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो चो, ऐसा कौन सा मेटल है विच इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील, जो कि स्टील का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो बच्चों, स्टील एक तरीके का एलॉय होता था जिसमें हम मेटल के रूप में किसको यूज करते थे? आयरन को। और नॉन मेटल क्या यूज होता था वहां पे? कार्बन, याद है? स्टील एक क्या नाम है, आपको क्लास में पढ़ाया है, स्टील क्या था आपका? एलॉय था, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ व्हाट? मेटल एंड नॉन मेटल कार्बन। तो आयरन में हम कुछ परसेंटेज ऑफ जो कार्बन मिला देते थे तो स्टील बन जाता था, याद है? ठीक है, और स्टील में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है कि उसमें रस्ट नहीं लगता है, जंग नहीं लगता उसमें। तो अब तो आप पहचान गए होंगे कि स्टील का मेन कॉन्स्टेंट कौन है? आयरन है। फिर भी अगर आप नहीं पहचान पाए थे तो आप यहाँ से पहचान जाते। कह रहा है एंड फॉर्म रस्ट व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको हम मॉइस्ट एयर में अगर रख देते हैं तो उसमें रस्टिंग हो जाती है, उसमें जंग लग जाता है? आयरन, लोहा जो होता है, आयरन। ठीक है, तो 8 नंबर पे बच्चों ध्यान से चेक करिए, 8 नंबर टॉप टू बॉटम जाइए। देखिए, ये 8 नंबर है, एरो लगा के आई तो आपको ऐसे मिल गया, तो आप ऐसे पहचान जाते, तो आयरन करेक्ट टॉप टू बॉटम। उसके बाद लास्ट इज 9 नंबर, कह रहा है कि द फर्स्ट मेटलॉइड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हूज फाइबर्स आर यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। ओके, तो मैं आपको बताऊं बच्चों, जो फर्स्ट मेटलॉइड है आपका पीरियोडिक टेबल में वो क्या है? बोरॉन है। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल उठा के देखिएगा, हमने आपको कुछ इस तरीके का बताया हुआ है। देखिए, ये बोरॉन, और इधर कहीं आएगा आपका सिलिकॉन, और इधर कहीं आएगा आपका जर्मेनियम, इधर कहीं आएगा ऑर्सेनिक, ठीक है, फिर इधर कहीं आएगा एंटीमनी, फिर आप इधर कहीं आएगा टेलियनियम, टेलिनियम, पोलोनियम। तो ये आपके सब क्या होते हैं? मेटलॉइड होते हैं। तो फर्स्ट मेटलॉइड कौन हुआ इसमें, बताओ? बोरॉन हुआ। ठीक, क्योंकि बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 5 है ना मेरे ख्याल से? हाँ, बिल्कुल सही मैंने बोला, 5 है। ठीक, तो इन सब में सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है? बोरॉन का। तो वो फर्स्ट एलिमेंट ही माना जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट एलिमेंट कह रहे हैं, सॉरी, फर्स्ट मेटलॉइड ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन से बेसिस पे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी। ठीक है, तो इन सब मेटलॉइड्स में से जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा उसी को फर्स्ट मेटलॉइड माना जाएगा। तो इन सब मेटलॉइड में से सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है? बोरॉन का। ठीक, तो बोरॉन इज द फर्स्ट मेटलॉइड, और वैसे भी बहुत फेमस है बच्चों, ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह नहीं होती, वेस्ट वगैरह, है ना, वेस्ट वगैरह, बुलेट प्रूफ जैकेट्स या वेस्ट, मतलब वो जो हाफ पहनते हैं, हाफ टाइप का होता है, सर गोली लगती आके, ठीक है, तो बुलेट की जो हाई वेलोसिटी होती है ना उसको रेजिस्ट कर देता है कौन? बोरॉन के जो फाइबर्स होते हैं, जैसे कि बोरॉन कार्बाइड वगैरह। ठीक है, तो इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन याद रखिएगा बुलेट प्रूफ वेस्ट में किसका यूज करते हैं हम? मेटलॉइड बोरॉन का। ठीक है, बोरॉन के कुछ कार्बाइड्स होती हैं, उसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वो हाई वेलोसिटी बुलेट को भी रोकने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, यहां पर हमें फिल करना है क्या? बोरॉन। 9 नंबर देखिए ये है, ठीक है, और टॉप टू बॉटम चलना है। तो 9 जहां लिखा है वहां बी फिल करेंगे, बी ओ तो हमको मिल ही गया, तो R O N, ठीक है, बोरॉन। बताइए कोई डाउट है, कर लीजिए।